नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे प्यार और लाइक्स के लिए। आज मैं आपके साथ एक मेरी गुजराती रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है ढाबा स्टाइल रसीली सेव टमाटर की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी बनती है और घरेलू जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे आसानी से बन जाएगी और उसको सर्व करना भी बहुत ईजी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस सब्जी। सबसे पहले अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट बना लीजिए। एक बाउल चॉप टमेटो और एक बाउल टमेटो प्यूरी ले लीजिए जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट है। कलर देने के लिए देगी मिर्च पाउडर एक बाउल में डालिए। उसके साथ में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून में थोड़ा सा वाटर डाल के एक घोल सा बना लीजिए। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारी सब्जी को ढाबा स्टाइल और रसीली सब्जी बनाएगा। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल को हीट करिए। उसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना और 1/2 टीस्पून जीरा डालिए। उसको क्रैकल होने दीजिए। क्रैकल होने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए और थोड़ा सा चॉप ग्रीन चिली। इन सबको सौते करिए। वन बाउल चॉप टमेटोज ऐड करिए। टमेटोज को स्टर करते रहिए ताकि वो नीचे स्टिक ना हो और कुक होना स्टार्ट हो जाए। अब हमने जो सीक्रेट मसाला बनाया है वो सारा मसाला उसमें ऐड कर दीजिए। ये मसाला हमारी सब्जी को कलर और कंसिस्टेंसी देगा जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्जी बन जाएगी। और कंटिन्यूसली स्टर कीजिए। अब आप देख सकते हो कि टमाटर ने गलना शुरू कर दिया है। जैसे टमाटर गलना शुरू हो जाए उसमें 1 बाउल टमेटो प्यूरी डाल दीजिए और अगेन स्टर कीजिए। अब उसको कवर करके 15 मिनट तक कुक करिए। थोड़ी देर कुक होने के बाद अगर आप चेक करोगे तो पूरे टमाटर गल चुके हैं। थोड़ा सा स्टर कीजिए। अब उसमें 1 कप फेंटा हुआ दही डाल दीजिए जो उसको सारनेस देगा और थोड़े सा रिचनेस देगा। दही को अच्छी तरह से मिलाइए ताकि वो कर्डल ना हो जाए और अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। फिर से एक बार कवर करके 10 मिनट तक कुक करिए। स्लो फायर पर कुक करने के बाद यू कैन सी दैट स्लो फायर पर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें ऑयल टॉप पे आ गया है। इसका मतलब हमारी ग्रेवी कुक्ड हो चुकी है। थोड़ा सा हम उसमें कसूरी मेथी स्प्रिंकल करके डालेंगे जो उसको फ्लेवर देगा। इस सब्जी में जो नमकीन यूज़ होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी। मार्केट में बहुत तरह की नमकीन अवेलेबल है लेकिन हमें इसी साइज़ की नमकीन चूज़ करनी है। नमकीन ऐड कर दीजिए। सब्जी में नमकीन ऐड करने के बाद हमें गैस को ऑफ़ कर देना है।
अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, उसको चॉप धनिया से गार्निश कर लीजिए। इस तरह से हमारी सब्जी रेडी है, जो हम फुलका और भाखरी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। कीप ऑन कमेंटिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।